गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में लाइव स्टॉक प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, इम्पॉर्टेंस बताई थी लाइव स्टॉक प्रोडक्शन की कि क्या क्या इम्पॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ लाइव स्टॉक से कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी जीडीपी हमारे इंडिया को मिल रही है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड का हाईएस्ट लाइव स्टॉक ऑनर वर्ल्ड एंड टोटल वर्ल्ड एनिमल पॉपुलेशन की अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं तो 25% है। फर्स्ट नंबर पे बफेलो पॉपुलेशन के कारण है। सेकंड नंबर पे कैटल और गॉट पॉपुलेशन के कारण है हम लोग। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पोल्ट्री मार्केट है हमारे पास। शीप के मामले में थर्ड पोजीशन पे, चिकन के मामले में फिफ्थ पोजीशन पे और कैमल के मामले में 10th पोजीशन पे हैं बच्चों। एंड देन मैंने बताया था लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन हमारे इंडिया में हो रहा है जो कि 176.35 मिलियन टन ऑफ मिल्क है। रोल ऑफ लाइफ स्टॉक मैंने बताया था, फूड में इसका एज ए फूड यूज करते हैं, फाइबर और स्किन इनकी यूज की जाती है, एज ए ड्राफ्ट कंडीशन में यूज किया जाता है, डंग एंड अदर एनिमल वेस्ट यूज किए जाते हैं, स्टोरेज होता है, वीड कंट्रोल, कल्चरल एक्टिविटी में इनको यूज करते हैं, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशंस में यूज कर रहे हैं हम लोग। देन बच्चों मैंने स्टार्ट किया था लाइव स्टॉक सेंसिस। क्या होता है लाइव स्टॉक सेंसिस की अभी तक, यानी स्टार्टिंग इसकी 2019 तक 20 लाइव स्टॉक सेंसिस लिए जा चुके हैं कि क्या क्या है लाइव स्टॉक सेंसिस में हमने देखा था। और मेनली ये लाइव स्टॉक सेंसिस किसने दिया था, किसने इनको मेजर किया था, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने डेयरिंग फिशरी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर न्यू दिल्ली में किया गया था। टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन क्या क्या उनमें हमने देखा, कैटल, बफेलो, शीप, गॉट, पिग, हॉर्स, पॉनिंस, म्यूज, डोंकी, कैमल्स, मैथ्यून्स एंड याक इन द कंट्री। टोटल पॉपुलेशन इनकी कितनी है, 535.78 मिलियन नंबर इन 2019 में। द टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन हैज इंक्रीज, कितनी इंक्रीज हुई है, बाय अबाउट 4.60% ओवर द प्रीवियस सेंसिस ऑफ 2012। देन हमने लाइव स्टॉक पॉपुलेशन देखा सेंसिस 2019 की, देखी कि कैटल जो थी वो 192.49 वेस्ट बंगाल में, बफेलो 109.85 उत्तर प्रदेश में, लीडिंग स्टेट इनके ये हैं। सीप जो है 74.26, टोटल नंबर तो इनके ये हैं पर लीडिंग स्टेट इनके जैसे कैटल में वेस्ट बंगाल, बफेलो में उत्तर प्रदेश, शीप में तेलंगाना, गोट में राजस्थान, पिग में आसाम, कैमल में राजस्थान है, ठीक है। और इनकी ये क्वांटिटी है कि इतनी क्वांटिटी इन एनिमल्स की है और टोटल मिला के आपका कितना हो गया 535.78 और इसमें लीडिंग स्टेट उत्तर प्रदेश है। उसके बाद हमने जो प्रोडक्शन इनके थ्रू होता है वो देखा कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है मिल्क में, जैसे मैंने अभी बताया था 176.35 मिलियन टन्स, मीट का 7.89 मिलियन टन्स, वूल का 47.90 मिलियन केजी, फिश का 12.60 मिलियन टन्स एंड एग का 65.64 बिलियन नोम्स। लीडिंग स्टेट इनके क्या हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड मिल्क के लिए उत्तर प्रदेश हो गया, मीट के लिए महाराष्ट्र, वूल के लिए राजस्थान, फिश के लिए आंध्र प्रदेश और एग के लिए अगेन आंध्र प्रदेश। अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट व्हाइट रिवोल्यूशन क्या होता है। व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के लिए जो रिवोल्यूशन आया उसको हम व्हाइट रिवोल्यूशन कह रहे हैं। किसने दिया था, वर्गीस क्यूरिन ने इसको दिया था, जिसे फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन कहते हैं, जो कि अमूल के फाउंडर हैं, ओके। उसके अलावा इन्होंने ऑपरेशन फ्लड चलाया था। ऑपरेशन फ्लड में इन्होंने क्या बताया कि मिल्क का प्रोडक्शन कितना ज़्यादा क्वांटिटी में हम भरा सके, इसके लिए इन्होंने तीन फेजेज ली थी, फेज़ वन, फेज़ टू, फेज़ थ्री। फेज़ वन में इन्होंने क्या बताया था, ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट फेज ऑपरेशन फ्लड लिंक टू 18, उन्होंने 18 इंडियन प्रीमियर्स लिए, मिल्क सेट लिए, उन्होंने प्रीमियर्स मिल्क सेट 18 लिए थे और मेनली इसमें मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ थी, कौन कौन सी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, ठीक है। उनको फाइनेंस्ड कौन करा था, मेनली इसमें इनकम किससे हो रही थी, स्किम्ड मिल्क पाउडर, बटर ऑयल, इन दोनों से हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट फेज जो था वो 81 to 85 स्टार्ट हुआ था, इसमें मिल्क सेट भर के 18 to 136 to 290 अर्बन मार्केट्स इसमें बनते चले गए। उसके अलावा इसमें रूरल एरिया भी ऐड कर लिया था हमने, 46,000 विलेज कोऑपरेटिव इसमें ऐड हो चुके थे। फेज़ थर्ड में हमने अभी तक तो मिल्क प्रोडक्शन पे ध्यान दिया था, उनके प्रोडक्ट्स पे, अब उसके लिए मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमने फेज़ थर्ड में ध्यान दिया। तो ये कम्प्लीट आपका क्या था, ऑपरेशन फ्लड था। अमूल मैंने आपको बताया था, आनंद डिस्ट्रिक्ट मिल्क
प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म एक्सपांडेड फॉर्म है। आनंद इज लोकेटेड एट खेड़ा इन डिस्ट्रिक्ट आनंद इन द स्टेट ऑफ गुजरात। द नेम वॉज शॉर्टेंड टू अमूल, अ शॉर्ट स्वीट वर्ड डैट रोल इजीली ऑफ द टंग फॉर यूज एज अ ब्रांड फॉर सेलिंग मिल्क प्रोडक्ट। द आनंद पैटर्न एक्सपेरिमेंट एट अमूल अ सिंगल कॉपरेटिव डेयरी वॉज द इंजीनियर बिहाइंड द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन फ्लड। कि ये जो आनंद डेयरी थी ना, इसके पीछे सक्सेस किस कारण से हुई थी, जो हमने ऑपरेशन फ्लड चलाया था उस कारण से हुई, और वो मेनली किसने बताया था, डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन ने बताया था, जो चेयरमैन और फाउंडर हैं अमूल के। क्यूरेन गिव द नेसेसरी थ्रस्ट यूजिंग द प्रोफेशनल मैनेजमेंट स्किल टू द प्रोग्राम एंड इज रिकॉग्नाइज एज इट्स आर्किटेक्ट। क्लियर? तो ये कंप्लीट आपका क्या हो गया, लाइव स्टॉक सेंसेस हो गया, और उसके अलावा वाइट रेवोल्यूशन अपना कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक मैंने आप लोगों को बोला था कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमें पढ़ने हैं नेक्स्ट टॉपिक में मेनली ब्रीड। ब्रीड्स कौन कौन से हैं, कैटल्स के ब्रीड कौन से हैं, तो कैटल हो गया, पोल्ट्री हो गया, उनकी इंडिजिनस ब्रीड कौन सी है, एग्जॉस्टिक ब्रीड कौन सी है, उनके कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिनको हम ले रहे हैं और उनके बीच में क्रॉस करा के नेक्स्ट जनरेशन लाते हैं। तो मेनली यहाँ पे हमें ब्रीड के बारे में पढ़ना है, इंडिजिनस ब्रीड कौन सी है और एग्जॉस्टिक ब्रीड कौन सी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बता रहा है कैटल्स में आपको काऊ इंडिजिनस, काऊ की बॉस इंडिकस, और ये कौन सी फैमिली से है, बॉविडियस काउ डोमेस्टिक, बॉस ट्यूरे सॉरी टॉरस, बफेलो बुबेलिस, बुबेलिस शिप की, ओविस एरिज गॉट की, कैप्रा हिरकस। जूलॉजिकल नेम मैं सबके बता रही हूँ बच्चों, ये तुमसे अब पूछे जाते हैं, तो जूलॉजिकल नेम अभी हम बता रहे हैं, फिर आगे देखते हैं। गॉट हो गया, कैप्रा हिरकस, कैमल की कौन सी ले रहे हैं, कैमल को बोलते हैं कैमलस, ड्रोमेडेरियस सिंगल हम्ड और अमेरिकन कैमल, उसका जूलॉजिकल नेम है कैमलस ड्रोमेडेरियस, और कैमल डबल हम्ड जिनकी होती है, दो हम्ड इस तरह से होती है, वो जो है वो उसका एग्जाम उसका क्या है जूलॉजिकल नेम कैमलस बैक्टीरियनस, और चिकन का हो गया गैलस। ठीक है, तो ये इनके जूलॉजिकल नेम हो गए, ये इनकी फैमिली जो होगी बॉविडी, ये तो गॉट तक होगी। अगर हम कैमल की बात करें तो कैमिलिडी, और यदि हम चिकन की बात करें तो फैजियन डी आपकी क्या होगी, कैमल की हो गई। तो ये कंप्लीट आपकी एक तो जूलॉजिकल नेम और ब्रीड्स हो गई, कौन कौन सी ब्रीड्स मेनली हम यूज में ले रहे हैं। देन कैटल्स की बात करते हैं, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल, ये मैंने आपको बताया था अभी। इन 2019 इंडिया हैज़ 192.49 मिलियन कैटल्स विद अकाउंट फॉर अबाउट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड टोटल नंबर ऑफ कैटल्स। 1/5 है टोटल नंबर ऑफ कैटल का, एंड अबाउट 35.94% ऑफ़ द टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, हमारी लाइव स्टॉक पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का ये 35% है। अब हम लोग देख रहे हैं इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कैटल ब्रिड, कैटल ब्रिड के क्या क्या क्लासिफिकेशन है, इंडियन कैटल ब्रिड और एग्जॉस्टिक। मैंने कहा था दोनों ब्रिड के बारे में हमें पढ़ना है मेनली, और इनके नेम हमें याद रखने हैं। सबसे पहले मिल्क पर्पज़ के लिए हम कौन सी ले रहे हैं, साहिवाल ले रहे हैं। ड्राफ्ट पर्पज़ मैंने वहाँ पर आप लोग को बताया था, ड्राफ्ट क्या होता है, जो कि वो बुलक्स जो कि हम इसमें हार्वेस्टिंग में काम में ले रहे हैं। ठीक है, तो वो वाले ड्राफ्ट पर्पज़ हो गया, जिसमें कौन सा है उसका ब्रीड नागौरी। फिर ड्यूल पर्पज़, दोनों ही पर्पज़ होते हैं कि इनकी काव हुई तो उनको वो मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क की क्वांटिटी के लिए, और यदि बुलक्स हुए तो बुलक्स जो ड्राफ्ट पर्पज़ के लिए होता है। ड्यूल पर्पज़ के लिए जो इसमें मेन ब्रीड बताई है वो कौन सी है, थार पार्कर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये इंडियन कैटल ब्रिड है, और एग्जॉस्टिक ब्रिड में जर्सी का तो काव हो गई, और मिल्क प्रोडक्शन के लिए और मीट पर्पज के लिए हैरीफोर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों मिल्क पर्पज के लिए रेड सिंधी, गिर एंड राठी। मेनली ये फोर हम लोग मिल्क पर्पज के लिए लिखते हैं, साहिवाल, रेड सिंधी, गिर और राठी। ड्राफ्ट पर्पज के लिए नागौरी, मालवी, अमृत महल, हेलिकार, खिलारी, कानगायाम, बरगुर। ड्वेल पर्पज के लिए क्या होगी, थार पार्कर, हरियाणा, कनकराज, ओंगोली, कृष्णा वैली, दियोनी, मेवाती।
ठीक है। और इसमें हम मिल्क पर्पज, सॉरी ड्राफ्ट पर्पज के लिए देखें तो अम्बले चेरी, पुलिकुमलम, अलामबदी, खैरीगर, बैकपर, और यहाँ पे होगी डांगी, पंगानूर, राट, निमारी, सीरी, गुआलाओ और हिसारी। ये सारी आपकी क्या होगी, इंडियन ब्रीड होगी। अब हम एग्जॉटिक ब्रीड की बात करें, जर्सी हमने बोला था, होलस्टीन, फ्रीसियन, ब्राउन स्विस, रेड डैन, आरिस श्राई, सॉरी आर श्री, ग्रू मिसी, शॉर्ट हॉम। मीट पर्पज के लिए कौन सी बताई मैंने, हैरीफोर्ड एंड एन्यूगस। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट कैटल ब्रीड्स कौन कौन सी हम ले रहे हैं। इनमें 2-3 नेम्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, याद रखने हैं उनको। उसके बाद ये बता रहा है यहाँ पे आपको कि इम्पॉर्टेंट कैटल ब्रीड्स जो मेनली यूज में ली जाती हैं, साहिवाल हो गया, मोंटो गैमरी, रीजन ऑफ पाकिस्तान में ये मिलती है, ऑल्सो नोन एज लोहा, इसको लोहा भी कहा जाता है, फॉर द लूज स्किन बेस्ट ब्रीड। लूज स्किन होती है इसकी, हाइएस्ट मिल्क प्रोडक्शन इन इंडियन ब्रीड मिल्क, स्वीटेस्ट, 5.25% लैक्टोज इन मिल्क, मिल्क यील्ड इसमें 1400 to 2500 kpl मिल रहा है हमें। नेक्स्ट गिर फॉरेस्ट ऑफ साउथ, काथियावार इन गुजरात, गुजरात में मिल रही है गिर, नाम से हमें पता चल रहा है। हॉर्न आर प्रिक्यूलरली कर्व्ड गिविंग अ हाफ मून शेप, इनके जो हॉर्न होते हैं हाफ मून शेप के होते हैं, नॉन फॉर अ हार्डीनेस एंड डिजीज रेजिस्टेंस पावर इनके पास होती है। मिल्क यील्डिंग इसे 1200 to 1800 kpl रहती है। रेड सिंधी हमें कहाँ मिल रही है, कराची और हैदराबाद में मिल रही है। कलर रेड होता है इसका, रेड सेडेड डार्क कलर का सेड रहता है, टू लाइट स्ट्रिप्स ऑफ वाइट। मिल्क यील्ड इसमें 1250 to 1800 kpl रहती है। राठी बीकानेरी एंड श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में मिलती है। प्रोमिनेंट मिल्क ब्रीड ऑफ राजस्थान, ऑल्सो नोन एज, इसे क्या बोलते हैं, कामधेनु बोलते हैं, कामधेनु ऑफ राजस्थान। ड्यूल पर्पज काओ ब्रीड, ड्यूल पर्पज में मेनली कौन कौन सी ले रहे हैं, थार पार्कर हरियाणा एंड कंज राज। थार पार्कर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में मिल रही है, नॉन एज वाइट सिंधी, लेयर सेड हॉर्न, बुलक सुटेबल फॉर प्लगिंग के लिए जरूरी होते हैं। हरियाणा नाम से पता चल रहा है, रोहतक हिसार में मिल रही है, जिंदन गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ठीक है, बुलक्स आर पावरफुल वर्क एनिमल्स, यील्ड 600 to 800 kpl। कान राज साउथ ईस्ट रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात, द गेस्ट ऑफ कानराज इज पिक्यूलर कॉल्ड एज अ 1/4 पीस हैवीएस्ट एनिमल इन इंडिया। काउ कनकराज साउथ ईस्ट रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात बताया, द गेट ऑफ कनकराज इन प्रिसिक्यूलर कॉल्ड एज 1/4 पीस हैवीएस्ट एनिमल इन इंडिया। इंडिया का हैवीएस्ट एनिमल है ये काउ ब्रीड, ऑल्सो कॉल्ड एज वेडेड और वेज्ड, ये नाम भी दिए जाते हैं। इनसे यील्ड मिल रही है 1400 kpl। तो ये कैटल्स की बात कर रही हूँ बच्चों मैं। नेक्स्ट कैटल पे आती हूँ बच्चों मैं, तो वो कौन सी है, मेवाती। मेवाती जो है वो कोशी एरिया ऑफ मंथरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में मिल रही है। मेजॉरिटी फाउंड इन अलवर एंड भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। कृष्णा वैली रिवर कृष्णा इन कर्नाटका, टेल ऑलमोस्ट रीच द ग्राउंड एंड यील्ड 900 kpl। ऑन गोल जो है वो कहाँ पे मिल रही है हमें, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ऑल्सो नॉन एज नीलोरी, लार्ज मसल्स सॉरी मस्कुलर ब्रीड विद अ वेल डेवलप्ड हम्प, यील्ड इसकी 1000 kpl है। दियोनी वेस्ट आंध्र प्रदेश में मिल रही है, ऑल्सो नॉन एज डोंगिर पाथी इसको हम बोल रहे हैं बच्चों। बॉडी कलर इज यूजुअली स्पॉटेड ब्लैक कलर का इसका होता है। तो ये जो मैंने बताए बच्चों, ये वाले हैं आपके कैटल्स जो इम्पॉर्टेंट कैटल ब्रीड में हमने स्टार्टिंग की थी। मिल्क पर्पज काउ ब्रीड हमने कंप्लीट किया है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ड्रॉट पर्पज काउ ब्रीड, वो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे।